हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कुछ हो जोर हो, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर कैसे होंगे। दोस्तों आज स्टार मिक्स का 9500 यूरो प्लस रिसीवर आया है। सिम वाला बॉक्स है, प्रोटोकॉल वाला, ठीक है। ये सिम वाला बॉक्स है, इस पोजीशन में आया है। तो भाई को जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी ऑलरेडी मक्खी ऐसी दोनों निकली हुई है। यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है। ये तो दोस्तों इस मक्खी आई थी की जगह रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अपन इसको बराबर करेंगे, पहले खोल लेंगे सारा, फिर इसको करेंगे वाश। वाश करने के बाद इसमें लगाएंगे रेगुलेटर, इसके मक्खी आई थी अपनी। और ये रिसेट ट्रांसफर में भी जुगाड़ हुआ पड़ा है तो उसको भी सेट करेंगे। सिग्नल का भी जुगाड़ हुआ पड़ा है तो सिग्नल का भी सेट करेंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन सारे ओपन कर लिए हैं मैंने, तो अभी इसको बराबर करेंगे। फिर पहले सर्फ से वाश करने के बाद इसको पेट्रोल से धोएंगे, फिर इसमें लगाएंगे सारे स्विचर, फिर चेक करते हैं जो मसला निकला, भाइयों से शेयर करते हैं। वीडियो पे रहना। ये तो दोस्तों इसकी एवी वाली पिनें भी मैंने निकाल दिए और साथ अभी से ट्रांसफर भी निकाल दिया। मक्खी ऑलरेडी इसमें निकली हुई थी, तो अभी इसको पहले धोते हैं सर्फ से, फिर पेट्रोल से धो के उसमें सारे स्विचर लगा के चेक करते हैं ऑन होता है या नहीं होता। अगर कोई दोस्त पेज पर नया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, साथ साथ बेल के आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिल सके। ये दोस्त हैं, सबसे पहले इसको धो के तो भाइयों को चेक कराता हूँ स्विचर सारे लगा के। ये तो दोस्तों उसको मैंने सर्फ से धो के साफ़ सुथरा कर लिया है फ्रेश। अभी इसको थोड़ा पेट्रोल से धो के अपन सुखाएंगे थोड़ा धूप में, ताकि इसमें जो नमी वगैरह हो, जो पानी वानी हो तो खुश्क हो जाए। उसके बाद लगाएंगे इसको स्विचर, ठीक है दोस्तों। तो कोई दोस्त नया पेज पे आए तो सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पर मिल सके। तो इसको पेट्रोल से वाश करके रखते हैं धूप में। ये तो दोस्तों उसको धूप में सुखा के इसको कर लिया है फ्रेश। अभी इसके जो जो पुर्जे निकले हैं वो लगाएंगे। थोड़ा मैं जूम करके भाई को दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मक्खी ऐसी निकली हुई है, इसके प्रिंट भी ख़राब है। ये भी बनाएंगे, ये भी मक्खी ऐसी निकली हुई है, ये भी ये लगाएंगे। ये दोनों मक्खी ऐसी लगाएंगे, इसके प्रिंट बनाएंगे, इसके प्रिंट ऑलरेडी सही है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रांसफर यहाँ से निकला हुआ है, ये ट्रांसफर भी निकला हुआ है, और ये रिसीट ट्रांसफर भी निकला हुआ है। एक फ़िल्टर यहाँ से टूट गया, एक फ़िल्टर यहाँ से टूट गया, एक फ़िल्टर यहाँ से टूट गया। तो सारे फ़िल्टर लगाते हैं, फिर इसकी पिनें लगाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, पहले कर लेंगे इसके वोल्ट प्रॉपर होके। ठीक है दोस्तों, पहले कर लेंगे इसके वोल्ट प्रॉपर होके। दोस्तों ये चीज़ और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आप दोस्तों को इसमें क्या क्या मसला हो सकता है। अगर ये ख़राब होगा या ये ख़राब हो जाते हैं तो रिसीवर में क्या फॉल्ट आ जाता है, तो भाइयों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें स्विचर लगा के और पुर्जे लगा के फिर आप भाइयों को चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों इसमें मक्खी आई थी, मैंने S15 लगाई है, दोनों S15, ठीक है। ये जहन में रखना, इसमें दोनों S15 लग जाती है, एक जैसी है, तो मैंने S15 लगा दिए, ठीक है। और अभी इसको पेट्रोल से वाश कर देंगे, टाँके वाँगे इसको कर देंगे प्रॉपर होके। उसके बाद करेंगे अपन इसमें चेक, इंशाल्लाह अपना रेडी हो गया होगा। पहले इसको वाश करते हैं, वाश करके फिर इसको चालू करके चेक करते हैं, पेट्रोल से वाश करेंगे अभी, ठीक है। ये तो दोस्तों इसको अभी वाश भी कर दिया, प्रॉपर रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये स्विचर लगाए, मक्खी ऐसी S15 लगाई है, ठीक है, दोनों मैंने S15 लगाई है। तो उसको प्रॉपर वाश कर दिया, इसका ये फ़िल्टर भी टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था, ये मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। एक फ़िल्टर और भी ये टूटा हुआ है, ये लगाना है मुझे, जेन से निकल गया था तो ये लगाते। और इसका रीसेट ट्रांसफर भी लगाया है, रीसेट ट्रांसफर, ठीक है। इसका नंबर भी बता देता हूँ, ADAA, ये रीसेट ट्रांसफर है, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रांसफर के बारे में बता रहा था आप दोस्तों को। अमूमन दोस्तों इसके वोल्ट, ये वोल्ट देता है, ये 3x3 क्रॉस करता है, तो यहाँ से
वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ध्यान में रखना। ये अमूमन ये दोस्तों अमूमन ये प्रोटोकॉल वाले रिसीवर में यही फॉल्ट दिखने में ज़्यादा आता है, तो इसका ये ट्रांसफर खराब हो जाता है। ये होल्ड क्रॉस नहीं करता है, ये 3.3 यहाँ से क्रॉस करता है। अगर यहाँ से चेक करना मीटर से अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये 3.3 अमूमन ख़राब हो जाता है। तो मैंने जैसे ऑलरेडी जंपर दे दिए, ऐसे आपने प्रॉपर जंपर कर देने, ठीक है दोस्तों। और ये वाला है, ये 5 वोल्ट क्रॉस करता है दोस्तों, ये 5 वोल्ट क्रॉस करता है। अगर यहाँ पे आप चेक करो 5 वोल्ट बन रहे हैं, ये चेक करना क्रॉस अगर नहीं हो रहे तो ये भी ट्रांसफर आप जंपर लगा दो तो ये रेडी हो जाएगा। तो इसमें अमूमन ये 2-3 फॉल्ट दिखने में आते हैं ज़्यादा, तो ये मैंने ऑलरेडी आप दोस्तों को बता दिया। अगर कोई ऐसा आपके पास बोर्ड आ जाए तो उसमें पहले 5 वोल्ट और 3.3 चेक करें, अगर क्रॉस हो रहे हैं तो ये सही है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ये इसके जंपर कर दो। इन्हें मैंने ऑलरेडी जंपर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको करते हैं चालू, देखते अपना रिसीवर रेडी हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसको लगाते हैं कनेक्शन, इंशाल्लाह चालू हो जाएगा अपना रिसीवर। ये तो दोस्तों अपना रिसीवर हो गया ओके। बिल्कुल ओके हो गया। अगर कोई दोस्त पेज पे नया है तो पेज को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिल सके, ठीक है। रिसीवर हो गया ओके, आप भाइयों को वीडियो भी चेक करा देता हूँ। दोस्तों ये रिसीवर हो गया बिल्कुल रेडी, तो इसको प्रॉपर में कर दिया फिट, ठीक है दोस्तों। तो इसके सिग्नल और वीडियो आपको दोनों को चेक करा देता हूँ दोस्तों। इसके ये सिग्नल भी आ रहे हैं, इसकी वीडियो भी आ रही है, ठीक है दोस्तों। आवाज़ मैंने म्यूट किया हुआ है, और आवाज़ असल में दूंगा तो मेरा आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉपर रेडी हो गया, पहले मैंने आपको दिखाई थी कंडीशन इसकी, और अभी अब देख लो साफ़ सुथरा मैंने बोर्ड बना दिया। इसके जो भी पार्ट्स ख़राब थे वो आप दोस्तों को बता दिया, जो अमूमन इसके छोटे बड़े जो पार्ट आते हैं वो भी बता दिया। सीवर हो गया बिल्कुल रेडी, अब आप भाइयों को चैनल भी चेंज करा के चेक करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तक अपना ख्याल रखना, भाई का भी ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।